हेलो गाइस, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, शिवम, अनुराग, राहुल, राकेश, सुमित, कल्पना, प्रियांशु, आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए तथा सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। राहुल जी, राधे राधे, विपन, राम राम सर जी, राम राम विपन जी। चलिए, आप लोगों को पता है हम लोगों की क्लास किसकी चल रही थी? समास की, ठीक है। समास हमने आप लोगों को एक अव्ययीभाव समास बता दिया था और एक दूसरा द्विगु समास बता दिया था। आज हम आप लोगों को तत्पुरुष समास के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बताइए आप लोग, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास की डेफिनेशन बताइए फटाफट। तत्पुरुष समास जी, राहुल जी बोलिए। देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का मतलब उसका पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष का शब्दार्थ पूछ लिया है तो उसका पुरुष, ठीक। इसमें तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। हमने आप लोगों को कारक बता दिए थे। कारक कितने होते हैं? 8। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कितने थे? 6 कारक होते थे, ठीक है। तो इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से कारक होते हैं वो बताइए। कारक मेरे 8 होते हैं। कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर और सभी का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर, यानी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है जी। कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं बताइए फटाफट। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। चलिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत् प्लस पुरुष, तत् प्लस पुरुष। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का शब्दार्थ क्या है? उसका पुरुष। इसका शब्दार्थ क्या है इसका, बताइए। उसका पुरुष। उसका पुरुष, इसकी डेफिनेशन लिखिए। जिस समास का जिस समास का
दूसरा पद या पद या जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद पद दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका शब्दार्थ क्या होता है? उसका पुरुष, उसका पुरुष। ये वीडियो 2018 में आया था कि तत्पुरुष समास का शब्दार्थ क्या है, तो इस ऑप्शन में था उसका पुरुष। ठीक है, चलिए। इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें कारक विभक्ति इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से कारक चिन्ह विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है? कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर, कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्तियों चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कर्ता कारक तथा संबोधन कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि कारक मेरे होते हैं 8, 8 में से 2 का नहीं किया जाता, तो कितने का किया जाएगा? 6 कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। वो 6 कौन कौन सी होती हैं? कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए आप लोग। कौन कौन से कर्म कारक से कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग
कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? छह उपभेद हैं। कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? छह उपभेद हैं। विनय वर्मा जी, थैंक यू विनय जी। देखिए, कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं? छह उपभेद हैं। कौन कौन से कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है? कर्ता तथा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए, तो एक एक करके हम आप लोगों को छह कारक तत्पुरुष समास के जो छह उपभेद हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान तो हमने आप लोगों को बता दी, डेफिनेशन भी बता दी। चलिए, कर्म तत्पुरुष कहाँ से कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले कौन सा आया? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास
कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। को, ठीक है। जहां इसकी डेफिनेशन, जहां पूर्व पद में कर्म कारक को का लोप हो जाता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जहां पूर्व पद में कर्म कारक को का लोप हो जाता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जहां जहां पूर्व जी अनुराग जी जी जहां पूर्व पद में जहां पूर्व पद में कर्म कारक को यानी को विभक्ति कर्म कारक को जहां पूर्व पद में कर्म कारक का लोप हो जाता है वहां कौन सा कारक होगा? वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जहां पूर्व पद में कर्म कारक का लोप हो जाता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है कर्म तत्पुरुष समास होता है। नोट करिए आप लोग, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल ग्राम गति, ग्राम गति यानी कि ग्राम गति, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गया हुआ। इसे नोट करिए आप लोग, फिर एग्जाम्पल कराते हैं। नोट करिए फटाफट। जैसे ग्राम गति, में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, ग्राम गति ग्राम को गया हुआ। तो कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है? इसकी देखिए विभक्ति आ गई को, ग्राम को गया हुआ, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो को किसका है? कर्म तत्पुरुष का है। कर्म कारक का को विभक्ति चिन्ह होता है, तो ये कौन सा कारक समास पूछा कारक पूछा जाएगा तो कर्म कारक होगा। अगर समास पूछा जाएगा तो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। ग्राम गति ग्राम को गया हुआ, सरलागति करिए विग्रह आप लोग। सरलागति सरल को सरल को आगत
सरणागति में क्या हो जाएगा, सरण को आगति। इसके बाद चिड़िया मार, चिड़िया मार, चिड़िया मार का विग्रह क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, नोट करिए। चिड़िया मार, इसका विग्रह करिए, चिड़िया मार का चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला यानी चिड़िया मार, चिड़ियों को मारने वाला कौन सा समास होगा, क्रम तत्पुरुष। ठीक है, चलिए। इसके बाद ताप मापी, ताप मापी, इसका विग्रह क्या होगा, ताप मापी, ताप मापी, ताप मापी, यश प्राप्त, ताप मापी, यश प्राप्त, यश प्राप्त, ताप मापी, यश प्राप्त। आप लोग जल्दी से बताइए, ताप मापी का विग्रह क्या होगा, यश प्राप्त का विग्रह क्या होगा, बोलिए। ताप मापी, विमल जी बता रहे ताप को मापने वाला, वेरी गुड विमल जी। यश प्राप्त बताइए, यश प्राप्त का विग्रह क्या होगा, सोनल जी करें यश को प्राप्त जी, सोनल जी बिल्कुल। ताप मापी, ताप को मापने वाला, ताप को मापने वाला, ताप को मापने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, यश को प्राप्त। स्वर्ग, स्वर्ग गति, स्वर्ग गति में कौन सा समास है, तत्करण तत्पुरुष समास, सॉरी कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग गति कर्म तत्पुरुष। इसका विग्रह कीजिए, स्वर्ग गति, विग्रह कीजिए स्वर्ग गति का, स्वर्ग गति। स्वर्ग गति, स्वर्ग को गया हुआ, ऐसे ही मरणासन, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, मरणासन। मरणासन, मरणासन का विग्रह कीजिए, मरणासन में मोहित जी बता रहे स्वर्ग को गया हुआ जी, मोहित जी ये तो हमने करा दिया, अब आप बताइए मरणासन, 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 मरण को आसन, मरण को आसन, मरण को आसन,
मरणासन का, मरण को आसन नोट करिए आप लोग फटाफट। मरणासन, मरण को आसन नोट करिए। इसके बाद मेरा कौन सा कारक आएगा, करण तत्पुरुष समास, कर्म करा दिया इसके बाद करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति चिन्ह क्या है बताइए। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास की करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है बोलिए राहुल जी। जी से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, करण तत्पुरुष समास सेयक के द्वारा। जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति सेयक के द्वारा का लोप हो जाता है वहां कौन सा तत्पुरुष समास होता है बताइए। करण तत्पुरुष समास होता है जैसे तुलसी कृति, तुलसी के द्वारा कृति, तारों भरी, तारों से भरी। चलिए जहां पूर्व पद में, जहां जहां पूर्व पद में जहां पूर्व पद में करण कारक की, करण कारक की से के द्वारा, करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग, से के द्वारा का प्रयोग, सॉरी से के द्वारा का लोप हो जाता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा, से के द्वारा का लोप हो जाए, लोप हो जाए वहां करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष समास होता होता है। नोट करिए फिर एग्जाम्पल करा रहे इसके। जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाए वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे जैसे तुलसी कृति, जैसे तुलसी कृति,
तुलसीकृत, जैसे तुलसीकृत तारों भरी तुलसीकृत तारों भरी, आप लोग विक्रय करते चलिए, तारों भरी हस्त लिखित हस्तलिखित मेगाक्षण करिए विग्रह आप लोग फटाफट, तुलसीकृत तारों भरी हस्तलिखित मेगाक्षण विग्रह करके बताइए इसका। तुलसी कृत तारों भरी हस्तलिखित मेगाक्षण, तुलसी कृत का करिए, तुलसी के द्वारा कृति, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। अब के द्वारा आ गया तो कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि के द्वारा किस कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है? करण कारक का। तो यानी कि कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। तारों से भरी इसमें से आ गया कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। इसके बाद हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखित, के द्वारा आ गया कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। मेघाच्छन मेघों से आच्छन नोट करिए फटाफट, मेघों से आच्छन। चलिए इसमें नोट करके लिखिए आप लोग, नोट करके। के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ, से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, नोट करके लिखिए। के द्वारा का प्रयोग के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ तथा से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ तथा तथा से का प्रयोग
तथा से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ निर्जीव के साथ होता है। आज के बाद आप लोगों को समास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नोट करिए, के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ तथा से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। के द्वारा का प्रयोग किसके साथ? सजीव के साथ। से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। नोट करिए फटाफट। इसके बाद मेरा कौन सा कारक होगा, सॉरी समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए कौन सा होगा, संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या थी? के लिए क्या थी? के लिए। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग हो जाता है वहां कौन सा कारक होगा? वहां संप्रदान कारक होता है। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जहां समास के जहां समास के पूर्व पद में जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह तन कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। नोट करिए आप लोग फटाफट। इसके बाद हम इसके एग्जांपल करा रहे हैं। नोट करिए रोहित जी, चलिए
देखिए, जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर, रसोई घर रसोई के लिए घर, घुड़सवार घोड़े के लिए, सॉरी घुड़सवार नहीं घुड़साल, घोड़े के लिए साल, साल मतलब भवन, घोड़े वाला भवन जहाँ घोड़े रहते हैं। धर्मशाला धर्म के लिए शाला, धर्मशाला धर्म के लिए शाला। मंत्री परिषद मंत्री के लिए परिषद, मंत्री के लिए परिषद। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, मेरे लिए दक्षिणा है। ये आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे जैसे रसोई घर इसका विग्रह कीजिए। रसोई घर रसोई घर रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर के लिए आ गया है, तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद घुड़साल घुड़शाल घोड़े के लिए, घोड़े के लिए शाल, शाल मतलब भवन, घोड़शाल घोड़े के लिए शाल। हथकड़ी हथकड़ी हाथ के लिए लिए कड़ी मतलब बेड़ी, बेड़ी नहीं पड़ जाती है के लिए कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। हथ कड़ी गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। के लिए का प्रयोग हो गया है, कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। मंत्री परिषद मंत्री के लिए परिषद, मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्री के लिए परिषद, मंत्री के लिए परिषद, मंत्री परिषद मंत्री के लिए परिषद, नोट करिए। के लिए का प्रयोग या कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इसके बाद धर्मशाला धर्म के लिए शाला, चलिए इसे नोट करिए।
धर्मशाला धर्म के लिए शाला नोट करिए फटाफट। मोए सुमन शिवांग प्रियंका कल्पना विमल चलिए नोट करिए। चलिए इसके बाद मेरा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष, अपादान से यानी कि अलगाव का जहाँ बोध होता है वो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान। ठीक, इसमें अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? से। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक से या अलग होने की अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होगा? वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होगा। चलिए अपादान तत्पुरुष समास, अपादान 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 तत्पुरुष समास से। जहाँ पूर्व पद, जहाँ समास के पूर्व पद में जहाँ समास के पूर्व पद में जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है नोट करिए। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग से का प्रयोग होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जल जात, जल से जात, आशातीत, आशा से तीत, लोकोत्तर, लोक से परे यानी कि लोकोत्तर, लोक से परे, जन्मांधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। चलिए ऐसे नोट करिए, फिर एग्जांपल करा रहे इसके। जैसे जल जात, जैसे जल जात, जल जात
जल से जात, जल से जात, इसमें से आ गया, ठीक, से अपादान से, यानी कि कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। जल जात, आशातीत, 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 यानी आशा से तीत, तीत मतलब परे, तीत परे या दूर, आशा से तीत, तीत या परे, आशातीत, लोकोत्तर, 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 लोक से परे, लोक से परे, लोकोत्तर, लोक से परे। जनमंदा, जनमंद, जनमंद, यानी जन से अंधा, जन से अंधा, जन से अंधा, से, ठीक है। कौन सा समास है, आपादान तत्पुरुष समास। चलिए नोट करिए फटाफट। राहुल त्रिपाठी जी कह रहे, राहुल त्रिपाठी सर, ये से विभक्ति क्या है, मतलब राहुल जी कारक, कारक की क्लास पहले आप देखो मेरी, ठीक है, उसमें हमने आपको कारक चिन्ह बताए हैं। आपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से है, ठीक। ऐसे ही संप्रदान तत्पुर, संप्रदान कारक की क्या है, के लिए विभक्ति चिन्ह। तो आप पहले कारक वाली क्लास लीजिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आपादान हो गया, इसके बाद संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कौन सा समास, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या था, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ठीक है। जहां समास, समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने का लोप हो जाए, वहां कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। का, की, के, काकी, के, नानी, ने, ना, नी, ने, रा, री, रे, काकी, के, नानी, ने, रा, री, रे, ये संबंध तत्पुरुष, यानी कि संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक
संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की का की के ना नी ने रा री रे रारी रे का लोप हो जाए रारी रे का लोप हो जाए का लोप हो जाए वहाँ कौन सा समास होगा वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। नोट करिए फटाफट। कौन सा समास होता है वहां? संबंध तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखिए, संबंध तत्पुरुष जैसे राष्ट्रपति यानी का चिन्ह आ गया है तो का विभक्ति आ गई। का कौन सी है? संबंध कारक की। कठपुतली काठ की पुतली पनघट पानी का घाट भाई आजकल तो गाना भी चला है। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति इसका क्या होगा विग्रह? राष्ट्र का पति। इसके बाद कठपुतली काठ की पुतली। देखिए इसमें की आई संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या है? का की के नानी ने रारी रे। संबंध जो कारक होता है उसकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कौन सी विभक्ति है? का की के रारी रे नानी ने। तो संबंध तत्पुरुष की पहचान क्या है? का की के रारी रे नानी ने। इसमें से कुछ भी आया तो कौन सा कार समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। कठपुतली पनघट पानी का घाट। इसमें का आ गया पानी का घाट। पनवाड़ी इसमें पान की वाड़ी पनवाड़ी पान की
बाड़ी, कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान। कौन सा समास होगा इसमें? संबंध तत्पुरुष समास होगा। कन्यादान, कन्या का दान। कठपुतली, काट की पुतली। पन घट, पानी का घाट। मृग छोना, मृग का छोना, यानी कि छोना मतलब बच्चा, ठीक है, मृग का बच्चा, मृग छोना लिखे देता हूँ, ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग साथ के साथ, अच्छे से नोट्स बनाइए। मृग छोना, मृग छोना, मृग छोना का वो क्या होगा विग्रह? मृग का छोना यानी कि बच्चा, मृग का बच्चा, मृग का छोना या बच्चा। चलिए आप लोग इसे फटाफट नोट करिए। इसके बाद मेरा लास्ट और अगला तत्पुरुष समास कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए आज की क्लास का लास्ट और समास का भी, तत्पुरुष समास का भी लास्ट कौन सा है मेरा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? मैं, पे, पर। मैं, पे, पर। अधिकरण मैं, पे, पर, अधिकरण कारक चिन्ह की विभक्ति चिन्ह क्या है? मैं, पे, पर। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह मैं, पेपर का, मैं, पेपर का लोप हो जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरफ ना मौला, हर कला में मौला, हर कला में मौला। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। बट मार, बट में मारने वाला। चलिए देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण पुरुष जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में जिस समास में पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह मैं, पे, पर
का लोप हो जाता है, हो जाता है, लोप हो जाता है, वहाँ वहाँ अधिकरण वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। नोट करिए आप लोग फटाफट, जिस समास में पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पेपर का लोप हो जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखा रहे, ये नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए जैसे हरफना मौला, हरफना मौला, हरफना मौला, हरफना मौला, इसका विग्रह कीजिए। आलोक रंजन, प्रियंका, कमल, मृगांक, मृगेंद्र, भानु, भानु जी आप बताइए, हरफना मौला इसका विग्रह क्या होगा? हर कला में मौला, हर कला में मौला, हर कला में मौला में, ठीक है। इसके बाद आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, इसमें क्या आ गया? पर कौन सा का समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आप पर बीती, बट मार, बट मार, बट में मारने वाला, बट मार, बट में मारने बाला, बट में मारने बाला, कभी पुंगव, कभी पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, कभी पुंगव, कभी पुंगव, कभी पुंगव का विग्रह क्या होगा? कवियों में, कवियों में श्रेष्ठ या पुंगव, कवियों में पुंगव या श्रेष्ठ। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नोट करिए जी, हट जाइए सर, लीजिए। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मोहित, शिवम, अनुराग, भानु, पवन, कौशल, विवेक, सोनू, प्रियांजल, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।